इस वीडियो में करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स जो है वो आपके फिजिक्स क्लास 10th की फिजिक्स के बुक के हैं, और बोर्ड जो है वो आपका ICSE बोर्ड है, और जो बुक के पब्लिशर का नाम है वो है आपका सेलिना पब्लिशर। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं सेलिना पब्लिशर के चैप्टर नंबर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल। इस चैप्टर में तीन एक्सरसाइज है यहाँ पर, 8A, 8B, 8C। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे करेंगे एक्सरसाइज 8A के सारे न्यूमेरिकल, और एक्सरसाइज के साथ साथ हम यहाँ करेंगे एग्जाम्पल भी सारे कवर्ड। तो जितने भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का पार्ट जो है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं उसको पहले हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 8 में जितने भी 8A में जितने भी फॉर्मूले अप्लाई होंगे, तो मैंने इसको यहाँ पे सबको कलेक्शन कर रखा है ताकि आपको बहुत आसानी रहे, क्योंकि सामने फॉर्मूले होते हैं तो न्यूमेरिकल करना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूले पे हम आते हैं, फॉर्मूले को देखते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या है, I बराबर Q अपॉन T, दूसरा फॉर्मूला है Q बराबर N इंटू E, तीसरा E, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो ये वैल्यू आपको याद करनी है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है। I बराबर होता है अनदर फॉर्मूला N इंटू E अपॉन T, V बराबर आपका W अपॉन Q, VA - BB इजिकल टू W अपॉन Q, V इजिकल टू IR, G इजिकल टू 1/R, R इजिकल टू रो L अपॉन A, और इसी फॉर्मूले से हम रो निकाले तो रो बराबर आ जाएगा R L अपॉन A, सिग्मा बराबर फॉर्मूला होता है 1/रो। कुछ रिलेशंस है जो फॉर्मूले में आप जो न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करने में जरूरत पड़ेगी। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10⁻²। माइनस टू का मतलब है कि सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो वो पावर माइनस टू में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन पावर्स में अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ईजी होते हैं। दूसरा फॉर्मूला है 1 mm, mm का मतलब हो गया मिलीमीटर, में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³। मिली एम्पियर में कितने होते हैं, 10⁻³ एम्पियर। तो ये फॉर्मूले की इनकी जरूरत पड़ेगी तो मैंने इसलिए लिख दिया है। अब देखिए इन फॉर्मूले में एक बात और समझना है कि अगर सबके मीनिंग पता होंगे तभी आप कर पाएंगे। तो आइए इनके मीनिंग भी देखते हैं। आई का मतलब होता है करंट, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो उसके आगे लिख दिया मैंने ए। जब भी हम कोई चीज़ निकालेंगे तो विद यूनिट भी आंसर देना पड़ता है। क्यू बराबर क्या हो गया, चार्ज, चार की यूनिट हो गई आपकी कूलाम। एन का मतलब यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या आपका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। टी का मतलब टाइम, और टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। V का मतलब है आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट हो गई V, VA - BB ये कहलाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी यूनिट हो गई V। R का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम। G का मतलब हो गया कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की यूनिट हो गई ओम इनवर्स। रो का मतलब हो गया रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी की यूनिट हो गई आपकी ओम मीटर। सिग्मा बराबर हो गया आपका कंडक्टिविटी, और इसकी यूनिट हो गई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये सबके मीनिंग अगर आपको मालूम है और ये फॉर्मूले मालूम है तो न्यूमेरिकल करना बहुत ही आसान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि 8A एक्सरसाइज में एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके। तो उस एग्जाम्पल में जो पहला क्वेश्चन है वो आपका है, फिगर शो आई बी ग्राफ। आई बी का मतलब हो गया करंट पोटेंशियल ग्राफ फॉर टू कंडक्टर्स ए एंड बी। यहाँ पे दो कंडक्टर दे रखे, एक ए और एक बी। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द कंडक्टर इज अ ओमिक, इनमें से कौन सा कंडक्टर ओमिक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे आप पूछा जा रहा है, विच कंडक्टर हैज मोर रेसिस्टेंस, किसकी रेसिस्टेंस ज्यादा है, गिव रीजन टू योर आंसर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ये है कि अगर कोई कंडक्टर ओम्स के लॉ को फॉलो करता है तो उस केस में बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। पोटेंशियल हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग ओम्स लॉ, और अगर कोई दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में आता है। तो देखिए ए ग्राफ का भी एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है बिल्कुल,
कोई भी कर्व नहीं है, बी में भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ। अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों आपके क्या कहलाएंगे, ओम्स के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो ओमिक कंडक्टर कहलाएंगे। तो बोथ कंडक्टर ए एंड बी आर ओमिक बिकॉज बोथ ग्राफ्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो दोनों ही यहाँ पे ओमिक कंडक्टर है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा था, विच कंडक्टर हैज मोर रेसिस्टेंस, किसमें रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो देखिए, आप रेसिस्टेंस देखने के लिए आपको स्लोप देखना पड़ेगा। स्लोप क्या होता है, ये आपका स्लोप है, कितना एंगल यहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो ये कि यहाँ से कम एंगल हो रहा है और ए का एंगल क्या हो रहा है, उससे ज्यादा है क्रिएट हो रहा है। तो ए का स्लोप जो है वो ज्यादा है और बी का स्लोप कम है, और रेसिस्टेंस जो होती है वो आपके स्लोप के अपोजिट होती है। इट मीन्स अगर बी बी का अगर बी कंडक्टर का स्लोप क्या है यहाँ पे ग्राफ में, यहाँ पे क्या लेस स्टीपर है, स्टीपर का मतलब स्लोप, तो यहाँ पे लेस स्टीपर है किसके कंपेयर में, कंडक्टर ए के कंपेयर में। तो इसका मतलब जिसका स्टीपर कम होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग बी कंडक्टर का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा बिकॉज इसका स्लोप यानी कि स्टीपर जो है वो ए के कंपेयर में कम है। तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो गया आपका, बी कंडक्टर का। एग्जाम्पल ये आपका दूसरा है, फिगर में आपको वी आई ग्राफ दे रखा है। वी आई का मतलब आप समझ ही गए, पोटेंशियल करंट ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन इन दिस डिफरेंट केसेस, सेलेक्ट द ग्राफ फॉर विच फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक रेसिस्टर। आपको बता रहा है कि इस ग्राफ में कौन सा ओमिक है और कौन सा नॉन ओमिक है। तो अभी आप देख पढ़ भी चुके हैं, जो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन में होगा, देखिए ये भी स्ट्रेट में है और ये भी स्ट्रेट लाइन में है, तो ये आपका जो ए पार्ट है प्योर मेटल और जो बी पार्ट है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड, बोथ आर ये आपके ओमिक कंडक्टर है। देखिए ये ग्राफ आपका स्ट्रेट ना होके कर्व हो रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो कर्व हो गया, ये भी आपका कर्व पाथ है और कोई भी कर्व पाथ ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब ये आपके आप सी जो है आपका फिलामेंट अप बल्ब और डी जंक्शन डायोड, ये आपके हो गए नॉन ओमिक रेसिस्टर। तो आपसे पूछा जा रहा था यहाँ पे कौन से ओमिक है और कौन से नॉन ओमिक है। तो देखिए, फिगर ए और बी आर द ग्राफ फॉर ओमिक रेसिस्टर बिकॉज दे आर इन स्ट्रेट लाइन, फॉलो द ओम्स लॉ। और जो आपका सी और डी है वो आपका नॉन ओमिक रेसिस्टर है बिकॉज दे आर नॉट इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज इन अ कर्व लाइन एंड डू नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। तो आप क्लियर हो गया कि ये आपका ओमिक रेसिस्टर्स हो गए और ये आपके ओमिक रेसिस्टर ना होके नॉन ओमिक रेसिस्टर है। थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ओम टू पास करंट 1.5 एम्पियर थ्रू इट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो जो हमें वैल्यूज दे रखी होगी वो हम लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूलेस अपने आप पता चल जाएंगे। देखिए पहला आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को आप वी से भी लिख सकते हैं और वी ए माइनस वी वी से, तो हम यहाँ पे सिंपली वी से ही लिख दे रहे हैं। अक्रॉस द रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे सब लिखा हुआ, रेसिस्टेंस को लिखते हैं किससे, आर से। तो रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी आपके पास कितनी, 5 ओम। नेक्स्ट आपसे है आपके पास करंट, करंट है आपके पास 1.5 एम्पीयर और करंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, आई से। तो करंट की वैल्यू हो गई हमारे पास 1.5 एम्पीयर। अब देखिए आपके पास तीन चीजें अवेलेबल है, वी है, आर है, आई है, जिसमें एक चीज हमें निकालनी है, लेकिन हमें इन तीनों चीजों में फॉर्मूला चाहिए। तो आप देखिए राइट राइट साइड पे स्क्रीन पे आपका फॉर्मूला सारे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए वी इज इक्वल टू लिखा हुआ आई इंटू आर, ये वाला फॉर्मूला हम इस केस में अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें तीनों नाम इंक्लूड है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो गया वी इज इक्वल टू आई आर और हमें वी निकालना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू किसकी लगाएंगे, आई की। आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.5, और आर की लगाएंगे, आर की वैल्यू कितनी है, 5। इन दोनों की हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1.5 की 5 से करते हैं तो 7.5 आपकी मल्टीप्लाई जाती है, और ये वी की आपकी यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। अगर नहीं मालूम है तो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे रखा है सब चीजों की यूनिट को। तो ये पोटेंशियल की यूनिट हो गई आपकी वोल्ट, और ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप,
एन इलेक्ट्रिक गैजेट ड्रॉ अ करंट ऑफ 200 mA फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 2 वोल्ट, फाइंड द रेसिस्टेंस। तो वही करना है कि आपको जो जो वैल्यूज दे रखी है वो सारे लिखते चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, करंट दे रखी है। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। तो आई की वैल्यू हो गई 200 mA। बट जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो मिली में नहीं करते हैं, हम नॉर्मल एम्पियर में कन्वर्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम मिली एम्पियर को कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में। तो देखिए हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूले भी लिखे हुए हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले जो है मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या आपके पास, 1 mA इक्वल टू 10^-3 A। तो आपको अगर मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10^-3 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग दिस रिलेशन। तो ये रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें 10^-3 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे पोटेंशियल। पोटेंशियल आपको दे रखा है कितना, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का आपका यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है ये। फाइंड क्या करनी है, रेसिस्टेंस। तो देखिए आपको फॉर्मूला ढूंढना आई वी आर में। तो हमारे पास आई वी आर में फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो ये फॉर्मूला वी इज इक्वल टू कितना हो गया, आई इंटू आर। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, आर की। तो आर अगर निकालते हैं तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, वी अपॉन आई। ये आई इसके कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वी की वैल्यू। तो वी की वैल्यू आपके पास है 12 और आई की वैल्यू आपके पास 200 × 10^-3। तो इसकी कैलकुलेशन को हम देखते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। 12 अपॉन कितना, 200 × 10^-3। -3 को अगर आप ऊपर ले जाते हो तो ये -3 आपकी पावर ऊपर जाके हो जाएगी +3। और पावर को भी हम खोल लेते हैं तो 10^3 को खोलेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाई 200। नाउ कैंसल 2 जीरोज़ एंड 2 से 12 कैंसिल किया तो ये 6 टाइम किया। 6 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60। तो देखिए आपके पास रेजिस्टेंस आ गई कितनी यहाँ पे, 60 ओम। तो ये आपका आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जाम्पल के भी चल रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचे, अभी हमें एक्सरसाइज भी हम करेंगे जब हमारे एग्जाम्पल कवर हो जाते हैं। देखिए रेस्ट अ टॉर्च बल्ब वेंट कोल्ड अ रेस्टेंस 1 ओम। आपको रेस्टेंस दे रखी है 1 ओम, कब, जब कोल्ड। कोल्ड का मतलब यहाँ पे है कि इन द सेंस कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। इट ड्रॉ अ करंट 300 mA। अगर इसमें 300 mA की करंट पास होती है व्हेन ग्लोइंग फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 3 वोल्ट से, देन कैलकुलेट द रेस्टेंस। तो आपको कैलकुलेट रेस्टेंस निकालनी है व्हेन ग्लोइंग एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द रेस्टेंस। आपके पास देखिए है क्या चीज, उसको लिखते हैं पहले। हमारे पास है रेस्टेंस आर की वैल्यू 1 ओम, लेकिन ये 1 ओम है हमारे इन द केस ऑफ कोल्ड। कोल्ड का मीन्स मैंने बताया कि जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। जब करंट फ्लो नहीं होती है तो कोई भी डिवाइस हीट नहीं होती है और उसमें उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो रेस्टेंस वैसी की वैसी रहती है। बट जब हम करंट पास करते हैं तो वो डिवाइस क्या हो जाती है, हीट हो जाती है और उसका टेम्परेचर बदल जाता है। और हम जानते हैं, हमने चैप्टर पढ़ रखा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर इसमें कितनी करंट पास होती है, इसमें करंट होती है 300 mA। तो मिली एम्पियर को फर्स्टली हम चेंज करते हैं एम्पियर में, तो हमें क्या करना है, 10^-3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने 10^-3 से इसको मल्टीप्लाई किया। और नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि पोटेंशियल कितना आपके पास, 3 वोल्ट। तो ये आपका पास क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया 3 वोल्ट का। अब हमें यहाँ पूछा जा रहा है कैलकुलेट द रेस्टेंस। जब हम करंट पास करेंगे तो टेम्परेचर बदलने से इसकी रेस्टेंस बदल जाएगी। जब करंट पास नहीं कर रहे थे तो नॉर्मल इसकी रेस्टेंस 1 ओम थी। बट आपसे पूछा जा रहा है कि अब जब करंट पास हो रही है तो इसकी रेस्टेंस आप बताइए। तो देखिए हम पहले आई वी आर से, ये तो रेस्टेंस हमें दे रखी है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो करंट पास ना होने वाली है और हमें निकालिए करंट पास होने के बाद वाली। तो हम आई वी आर में फिर से फॉर्म लगाते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। और हम आर निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई। वी की वैल्यू हमारे पास है 3 वोल्ट, तो हमने वी की 3 लगा दी। और आई की वैल्यू हमारे पास है 300 × 10^-3। तो इन दोनों को भी हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास है 3/300 × 10^-3। -3 को आप ऊपर ले जाइए
ये पावर ऊपर जाके हो जाती है +3 अपॉन 300, और 3 × 10³ को अगर आप खोलते हैं तो ये बन जाता है आपका 1000, और ये 300 से डिवाइडेड है तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, और नाउ 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गए। अब आपका रिमेनिंग में बचता है केवल 10। तो देखिए आपका सॉल्व होके आ चुका है, आंसर कितना है यहाँ पे आर की जगह 10 ओम। तो ये रेजिस्टेंस आपकी तब निकली है जब करंट इसमें फ्लो हो रही है, और ये रेजिस्टेंस आपकी तब है जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो आपसे ये भी पूछा जा रहा था एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द रेजिस्टेंस। तो आप समझ भी गए हैं कि जब करंट फ्लो होगी तो टेम्परेचर उसका चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी रेजिस्टेंस बदल जाएगी, और हम जानते हैं कि जो करंट होती है वो रेजिस्टेंस के क्या होती है, टेम्परेचर के रेजिस्टेंस जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट मीन्स द रीजन फॉर द डिफरेंस इन रेजिस्टेंस इज दैट रेजिस्टेंस जो फिलामेंट का है बल्ब का वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे? जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है। तो ये आपसे डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा था कि आप बताइए कि टेम्परेचर क्यों चेंज, वो रेजिस्टेंस क्यों बदल रही है। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज 1.732 × 10⁻¹⁸ ओम। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। सबसे पहले यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लिख देते हैं, रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं लिखी है तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस। हमें फाइंड करनी है 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर, तो यहाँ पे लेंथ दे रखी है आपको 1 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा रेडियस, रेडियस दे रखी है 1 mm, मिलीमीटर को देखिए मीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻³। तो उसको हम 10⁻³ से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखिए किसे बोलते हैं, जो रो लिखा होता है उसे हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का अनादर जो नेम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इट मीन्स ये जो वैल्यूज दे रखी है वो आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की दे रखी है। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी हमारे पास क्या हो गई, 1.732 × 10⁻¹⁸ ओम मीटर। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। तो देखिए रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या क्या, एल है, आर है, रो है। आप आर के लिए हम यहाँ पे ए का यूज कर सकते हैं एरिया के लिए। तो देखिए आपके स्क्रीन पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है रेजिस्टेंस का, आर इक्वल टू कितना, रो एल अपॉन ए। तो हम इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा, ये फॉर्मूला यहाँ पे रेजिस्टेंस का आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जिसके जिससे हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने यहाँ पे रो की वैल्यू लगाई 1.72 × 10⁻¹⁸, रो हमें दे रखा था। फिर हम यहाँ पे एल की वैल्यू लगाई 1000, जो कि हमें पास गिवन है, और बट ए नहीं गिवन है हमें, तो ए की जगह हमें यहाँ पर रेडियस दे रखी है। तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए हमने एरिया का फॉर्मूला लिखा पाई आर स्क्वायर। वायर जो होता है वो सर्कुलर होता है, इसलिए उस सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया में पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ऊपर आ जाता है आपका 1.732 × 10⁻¹⁸ × 1000, और डिवाइडेड में आपका पाई, पाई की वैल्यू हमने लगाई है 3.14। आप यहाँ पे 22/7 भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ पे कितनी है, 1 × 10⁻³। तो हमने यहाँ पे आर की वैल्यू लगाई 1 × 10⁻³, और इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने भी इसका स्क्वायर कर दिया। आइए अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको कैलकुलेशन में हर एक एक चीज करके दिखाऊंगा, ताकि अगर जिसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए, उसको एक एक चीज को आप समझ लीजिए। तो देखिए कैलकुलेशन करने के लिए मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, 1.72 × कितना आपका 10⁻¹⁸, और जो 1000 है यहाँ पे, ये इस 1000 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10³, पावर में ले लिया हमने, और नीचे कितना है 3.14 × 1 का स्क्वायर, देखिए 1 हो जाएगा, और 10³ का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻¹⁶। देखिए डेसिमल से डेसिमल हटता है तो ऊपर बचता है आपका 172, और डिवाइड में बचता है 314, और पावर देखिए -8, 6 ऊपर जाके प्लस हो जाएगी तो 9 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 10⁻¹। 10⁻¹ का मतलब 10 हो गया आपका, तो 1720
डिवाइड बाई 314। तो इसको हम 2 से काटते हैं, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, 0, इसको काटेंगे 157 आ जाएगा। अब हम 157 को डिवाइड करते हैं किससे, 860 से। तो देखिए ये आपका नियर अबाउट 5 टाइम जाता है, हम इसको कर लेते हैं। 157 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35 का 3, 5 5 जा 25 और 3 8 और 5 5 और 2 7। तो ये आपका आ जाएगा 5 टाइम में कितना, 7 8 5। इसको हम माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5, इधर रह गया 5, हो गया आपको 15 में से 8 गया 7। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल लगाया, उतारा हमने कितना, 0। तो अब 157 का अगर हम इसमें देते हैं तो ये आपका नियर अबाउट जाएगा 4 टाइम्स। 4 से मल्टीप्लाई करते हो, 7 4 जा 28 का 2 कैरी, 4 20 20 और 2 22, और ये आपका आ गया 6 28। तो आप इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 0 में से कैरी लेना पड़ेगा, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2 और 7 में से गया 1, डेसिमल लगा हुआ ही है तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 157 को हम इसमें डिवाइड करना है, तो ये नियर अबाउट 8 टाइम्स करके देखते हैं। इसमें 8 7 जा हो गया 56 का 5 कैरी, 8 5 जा 40 और 5 45 का 4, 8 1 जा 12। तो देखिए ये कुछ ज़्यादा हो रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब अगर 8 टाइम नहीं है तो इससे कम थोड़ा सा कितना चले जाएगा आपका, 7 टाइम। तो देखिए 7 टाइम्स में आपका आ जाएगा, बट आपको यहाँ पे सब राउंड, बस 2 प्लेस तक निकाल के इसको आप राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि आपकी बुक्स में जो आंसर दे रखा है वो 1 प्लेस तक ही दे रखा है। तो 5.47 को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5। देखिए इसके बाद का नंबर अगर 5 से ग्रेटर होता है तो यहाँ पे एक डिजिट बढ़ जाती है, तो यहाँ पे 4 की जगह क्या कर दिया, 5, बिकॉज यहाँ पे 4 के बाद का नंबर 7 है जो कि 5 से ग्रेटर है। तो आप देखिए ऑल ओवर कैलकुलेशन अब आपकी आ चुकी है 5.5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन आ गई, देखिए कितनी आर की वैल्यू, 5.5 ओम। और आपसे क्या पूछा जा रहा था, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस निकाला था, तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 5.5 ओम, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, 7, वेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ वायर 5 मीटर लेंथ, अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट कैलकुलेट। क्या क्या कैलकुलेट करना है, द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लेंथ ऑफ द वायर, द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इफ इट इज डबल ऑन इटसेल्फ। तो देखिए इस पे लिखते हैं पहले क्या क्या मालूम है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस पता है आपको 2 वोल्ट, यानी कि वी की वैल्यू हो गई 2 वोल्ट, लेंथ आपकी हो गई एल बराबर कितनी, 5 मीटर, करंट की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1 एम्पियर, और आपको निकालना क्या, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है। देखिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, और पर यूनिट का मतलब डिवाइड में क्या आ गई कि लेंथ, तो आर अपॉन एल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम निकालते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, इसमें हमने आर की वैल्यू निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस की, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वी की वैल्यू हम लगाते हैं, हमारे पास वी की वैल्यू कितनी है 2 और आई की कितनी है आपके पास 1, तो 2 से 1 डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 ओम। तो ये रेजिस्टेंस आ गई, बट आपको निकालना था रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो इसको लेंथ से और डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई और लेंथ की हमारे पास कितनी है 5, तो 2 अपॉन 5। तो 5 को यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, 2 से। तो यहाँ पे डिवाइड करने के लिए डेसिमल लगाया, उतारा 0 और ये आपका चला गया 5 4 जा 20, इट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया आपका आंसर, 0.4। तो डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 0.4 ओम मीटर, ओम पर मीटर। तो ये फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ 2 मीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर। देखिए अभी आपने फर्स्ट पार्ट से निकाला है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी है 0, जो हमने भी यहाँ पे निकाला है वो कितनी है 0.4 ओम पर मीटर। इसका मतलब हो गया कि 1 मीटर के लिए रेजिस्टेंस कितनी अप्लाई होती है, 1 मीटर लेंथ के लिए रेजिस्टेंस अप्लाई होती है 0.4 ओम। और आपसे पूछा जा रहा है कि 2 मीटर लेंथ के लिए कितनी होगी, तो उसको हम 2 से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, तो 2 मीटर लेंथ के लिए
टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.8 ओम। तो ये सेकंड पार्ट भी हो चुका है और फर्स्ट पार्ट भी हो चुका है। अब ये आपका थर्ड पार्ट बचता है, तो थर्ड पार्ट को भी करते हैं हम। थर्ड पार्ट के करने के लिए हम यहाँ पे देखिए समझते हैं द रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर इफ इट इज डबल। अगर हम वायर को डबल कर दें, डबल करने का मतलब है एरिया को डबल करना। तो देखिए हमने एक ये वायर लिया है, इसका जस्ट डबल हमने ये ले लिया, तो अगर हम इसका एरिया ए है तो इसका एरिया कितना हो गया 2a। अब देखिए इसमें दे क्या रखा है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास वही पोटेंशियल कितना था 2 वोल्ट, लेंथ कितनी थी 5 मीटर लेंथ, और करंट कितनी थी आपकी 1 एम्पियर। तो सबसे पहले हम इस वाली कंडीशन के लिए रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना हो गया आर बराबर वी अपॉन आई, वी हो गया 2 और आई हो गया कितना आपका 1। तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 2 ओम। यानी कि इस वाले के लिए रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 ओम। अब आपसे पूछ रहा रेजिस्टेंस उसके लिए निकालना है जिसमें हमने एरिया डबल किया था, यानी कि इसके लिए हमें R2 की वैल्यू चाहिए, ये कितना होगा। तो R2 में निकालना है। तो देखिए एक बात और यहाँ पे देख लेते हैं, एरिया हमें हमने लिया यहाँ पे सपोज A1 है, और A2 एरिया कितना हो गया आपका 2A, क्योंकि डबल करा गया है। लेंथ आपके पास है ही, ये लेंथ आपके पास L1 है, और L2 की लेंथ के लिए आपको अभी निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कोई चीज किसी से कन्वर्ट होती है, मतलब लेंथ अगर बढ़ाया है तो एरिया भी चेंज होता है। इट मीन्स किसी से अगर कोई चीज लेंथ और एरिया में चेंज करे तो उनके वॉल्यूम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो वॉल्यूम हम इस वाले का और वॉल्यूम इस वाले का क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू हाइट, हाइट को हम लेंथ लिख लेंगे यहाँ पे। तो A1 × L1 पहले वाले केस में, और जब हमने इसको डबल किया तो उस केस में एरिया मान लिया A2 L2 है। अब इनकी सबकी वैल्यू लगाते हैं। तो देखिए A1 एरिया हमारे पास A था, L1 की जगह अभी हमने L1 लिखा है, और A2 हमारे पास कितना है एरिया में 2A है। तो अब इसमें यहाँ पे A से A क्या हो जाता है आपका कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होके L1 / L2 की वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी 2। तो यहाँ पे L1 / L2 की वैल्यू आ गई है। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे R = ρ L1 / A1। ये हम करेंगे इस फर्स्ट वाले के लिए, ऐसी सिमिलरली फॉर्मूला सेकंड वाले के लिए भी अप्लाई किया हमने। तो ρ R2 = ρ L2 / A2, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट से। तो डिवाइड करने पे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये इस तरह से आएगा कुछ, R2 को हमने डिवाइड किया R1 से, तो R2 / R1, रो से रो क्या हो गया आपके कैंसिल, इधर डिवाइड किया तो L2 / A2 लिखा हमने यहाँ पे। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई मिल कर दिया इसको डायरेक्टली। तो ये आपका डिवाइड होने पे रिजल्ट आ जाता है इस तरह से। हम L2 और L1 को एक साथ लिख देते हैं, तो L2 / L1, और यहाँ पे A1 / A2 को हमने एक साथ लिख दिया। तो इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो देखिए आपके पास L1 / L2 की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इसमें यहाँ पे L2 / L1 है, तो यहाँ पे इसका ये जस्ट L1 / L2 अगर 2 है, तो इससे अगर हम L2 / L1 निकालेंगे तो यहाँ पे रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/2। तो L2 / L1 की जगह हमने लगा दिया 1/2। और देखिए A1 हमारे पास कितना था, A था, और A2 की वैल्यू कितनी थी 2A। तो यहाँ पे हम देखें तो ये A से क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन आ जाती है R2 की वैल्यू 2 और 2 4, यानी कि 1/4 तो ये आ गया, और R1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास देखिए R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, स्टार्टिंग में दे रखी थी तो हमने निकाल भी ली थी, कितनी थी R1 की वैल्यू 2। तो यहाँ पे 2 लगाते हैं, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2, और डिवाइड होके 0.5 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब वायर को डबल कर दिया गया तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो गई, कितनी हो गई 0.5 ओम। तो ये आपका थर्ड पार्ट था 7th क्वेश्चन का। यहाँ पे सारे हमने एग्जाम्पल्स कवर कर लिए, एक्सरसाइज 8A में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे थे हमें सॉल्व वाले। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8A के सारे क्वेश्चंस को करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट में। ये आपका
फर्स्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे एक्सरसाइज 8A का न्यूमेरिकल्स पार्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इन अ कंडक्टर 6.25 × 10^6 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इलेक्ट्रॉन्स को किससे लिखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं एन से। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एन बराबर 6.25 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एंड ए टू बी, ये ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। फाइंड द करंट, हमें निकालनी की है इसमें करंट। टाइम दे रखा है 2 सेकेंड में मूव कर रहे हैं तो टाइम लिख लिया, और करंट हमें निकालनी है तो वो क्वेश्चन मार्क आ गया। और आपको चार्ज इलेक्ट्रॉन पे दे रखा है, अगर नहीं भी दे रखा है तो देखिए आपको याद भी होना चाहिए, मैंने लिख भी रखा है 1.6 × 10^-19 कूलम। अब आप देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, एन है, टी है, आई है, ई है। तो आप देखिए ऐसा फॉर्मूला किस में आ रहा है, एन ई आई टी, देखिए ये वाला फॉर्मूला आ रहा है, आई इज इक्वल टू एन इंटू ई अपॉन टी। इसको हमने यहाँ से भी निकाल सकते हैं, पहले हमने आई बराबर क्यू अपॉन टी लिखा और क्यू की जगह हमने कितना लगा दिया, एन ई। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट आपका आ जाता है, एन ई अपॉन टी। और यहाँ पे हम एन की वैल्यू लगाते हैं, एन की वैल्यू हमारे पास जो थी 6.25 × 10^16, ई की वैल्यू हमारे पास थी 1.6 × 10^19, और टाइम दे रखा था 2। तो इन दोनों को यहाँ पे हम लिख के सॉल्व, अब वैल्यू इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने में क्या है, पहले इसको मैं लिख लेता हूँ 6.25 × 10^16 × 1.6 × 10^-19, और डिवाइड में आपका कितना है 2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट को हटा देते हैं, तो ये पॉइंट आपके यहाँ से और यहाँ से हटके कितना हो गया, नीचे आपका हो गया 1000, 2 0 यहाँ से आएंगे, 1 इससे आएगा आपका। एक बार मैं इसको फेयर तरीके से लिख देता हूँ थोड़ा सा, 6.25 × 10^16 × 1.6 × 10^-19/2। देखिए यहाँ से डेसिमल हटता है तो इसके नीचे 2 0 बढ़ेंगे डेसिमल के बाद, और ये वाला भी हटता है तो 1 0 और बढ़ेगा। अब आपके पास आ जाता है 625 × 16, अब पावर देखिए आपके पास 16 में से 19 जाएगी तो पावर हो गई -3, और नीचे बचता है आपके पास 2000। अगर हम इसको 2 से काट ले तो ये 8 हो जाता है, और इसको काटेंगे तो ये 1000। 625 की हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 6 8 जा 48 और 250, तो ये आपका आ जाता है ऊपर 5000। और देखिए ये आपका कितना है, 10^-3, और नीचे आपका बचा हुआ था 1000, तो यहाँ पे 1000 से 1000 कैंसिल हो चुका है, तो ये आपका आंसर आ गया 5 × 10^-3। ये आपका आया किसमें, एम्पियर में। और बुक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको मिली एम्पियर में दे रखा होगा, तो मिली एम्पियर के लिए आप क्या करेंगे, एम्पियर को मिली एम्पियर से कन्वर्ट करेंगे तो 10^3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 × 10^-3 को उल्टा करना पड़ेगा +3 से, तो ये -3 और +3 क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 mA। तो देखिए ये आपका आंसर आ चुका है 5 mA। अब डायरेक्शन की बात करिए कि यहाँ पे फाइंड द करंट फ्लोइंग द, यहाँ पे शुरू में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स, देखिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे किधर, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे ए से बी की ओर, ये मैंने डायरेक्शन दिखाई है इलेक्ट्रॉन्स की, कंफ्यूज नहीं होना, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके इधर मूव कर रहे हैं तो करंट हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट कंसिडर करी जाती है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, बी से लेकर, डायरेक्शन कैसी होगी, बी टू ए, तो ये आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज क्या था,
अभी हम सेकंड क्वेश्चंस करेंगे फिर से। एक्सरसाइज 8A के न्यूमेरिकल ही चल रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आ क्या आपका, अ करंट ऑफ 6.1.6 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल पास ईच सेकंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर। आपके पास दे रखी है करंट, करंट की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.6 मिली एम्पियर, और मिली एम्पियर को अगर हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये एम्पियर में कर दिया हमने। अब आपको दे रखा था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन को चार्ज को लिखते हैं ई से, इसकी वैल्यू दे रखी है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन हमें निकालना है और ई सेकेंड, टाइम भी दे रखा है, ई सेकेंड का मतलब हो गया टाइम 1 सेकेंड। तो आप देखिए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, यहाँ पे आई बराबर हमने पहले लिखा क्यू अपॉन टी, और क्यू की जगह हम कितना लगा सकते हैं एन ई। तो आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आई बराबर एन ई अपॉन टी, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज लगाते हैं, तो वैल्यूज में हमें निकालना है क्या, पहले एन निकालना, तो हमने एन के लिए फॉर्मूला बना लिया, तो आई की मल्टीप्लाई टी से होगी और डिवाइड में क्या जाएगा ई। तो एन के लिए फॉर्मूला आ गया आपके पास आई टी अपॉन ई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू लगाई हमने, आई की कितनी है 1.6 × 10⁻³, टाइम की वैल्यू कितनी थी 1, और ई की वैल्यू हमने लगाई 1.6 × 10⁻¹⁹। देखिए यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड में वैल्यू कंसिडर करके लगाएंगे, नेगेटिव साइन को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो हमने उसका मैग्नीट्यूड लिया है 1.6 से 1.6 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ये पावर -19 आपके ऊपर जाएगी, तो ये प्लस के कितनी जाएगी 19, और पावर बचेगी आपकी 10⁻¹⁶। तो ये आपका आ गया आंसर एन, जो कि आपको फाइंड करने को कहा गया था। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। आपको पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बी निकालना है, फ्लो ऑफ करंट आई दे रखी कितनी 200 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और आपको दे रखी है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 ओम। सिंपल है, वी इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि वी है आई है और आर है, और हमें वी ही निकालना है, तो आई की वैल्यू हमने लगा दी और यहाँ पे हमने आर की वैल्यू लगा दी। इसकी मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास 200 की 2 से करते हैं तो ये 4000 आ जाएगा × 10⁻³। और देखिए 30 को हम लिख सकते हैं 10³, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो 10 के वजह से -3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका ओनली 4, और यूनिट आ गई आपकी इसकी वोल्ट। पोटेंशियल निकालना था तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट। जब भी कोई चीज़ निकालते हैं तो उसके साथ उसकी यूनिट को लिखना होना जरूरी होता है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन ड्रॉस 1.2 एम्पियर करंट एट अ 6 वोल्ट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब वाइल ग्लोइंग। आपके पास करंट की वैल्यू है 1.2 एम्पियर, पोटेंशियल की वैल्यू है 6 वोल्ट, और फाइंड क्या करना है रेजिस्टेंस। तो ये भी वही सेम है, वी इक्वल टू आई आर, तो आर निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा वी अपॉन आई, वी की वैल्यू हमने लगाई 6 वोल्ट, और आई की कितनी है 1.2, तो 6 को 1.2 से आपको डिवाइड करना है, पॉइंट आएंगे 0 और 12, 5 जो होते हैं 60, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5 ओम। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ कार बल्ब कनेक्टेड टू आर 12 वोल्ट बैटरी ड्रॉन 2 एम्पियर करंट व्हेन ग्लोइंग, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब, विल द रेजिस्टेंस ऑफ बी मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। पोटेंशियल आपके पास 12 वोल्ट है, करंट आपको दे रखी है 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो एक क्वेश्चन और भी है, विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग, इसको अभी हम लास्ट में डिस्कस करते हैं, पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं।
तो आर की वैल्यू, आर की निकालेंगे वी इजल टू आई आर, और आर इजल टू निकालेंगे तो वी अपॉन आई, वी की 12 और आई की हमने 2 लगाई, तो 2 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आया था 6 ओम। तो एक पार्ट तो उसका यहाँ पे हो गया, रेजिस्टेंस पूछी गई थी, रेजिस्टेंस हमने निकालनी। अब ये पूछ जा रहा है कि विल द रेजिस्टेंस बी मोर सेम और लेस व्हेन द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। अगर बल्ब ग्लोइंग नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। अभी हमने इस टाइप का पूरा पढ़ा था क्वेश्चन, अगर करंट पास होती है तो टेम्परेचर बदल जाता है, टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब करंट पास नहीं हो रही है, तो रेजिस्टेंस उसकी क्या रहेगी, लो रहेगी। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। देखिए करंट निकालनी, आई क्वेश्चन मार्क, रेजिस्टेंस दे रखी है आपको 5 ओम, पोटेंशियल दे रखा है 3। तो सिंपल है, वी इज इक्वल टू आई आर लगाएंगे और आई निकालेंगे तो उससे आ जाएगा आपका वी अपॉन आर। वी की वैल्यू हमने लगाई यहाँ पे 3 और आर की हो गई आपके पास 5, तो 3/5 यानी कि 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 5 लगाया और 0.56, तो ये आपका आ जाएगा 0.6 एम्पियर। सेवेंथ क्वेश्चन से आपका, इन एन एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ओम्स लॉ फॉलोइंग द ऑब्जर्वेशन आर ऑब्टेन। देखिए ये आपको एक टेबल दे रखी है, पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे और यहाँ पे करंट की दे रखी है। पूछ क्या रहा है, पहले आपसे ड्रॉ करना है वी आई ग्राफ, तो जब ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा तो यूज दिस ग्राफ टू फाइंड। तो फर्स्टली हम यहाँ पे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वी आई में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है उसको समझते हैं। ये मैंने ग्राफ पहले से ड्रॉ करके रख रखा है। हमने इधर एक्स एक्सिस में हमने करंट की वैल्यू ली और यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू ली, पोटेंशियल की वैल्यू ली। तो देखिए आप करंट में आपको क्या क्या दे रखा है, ये 0.2, 0.4, 0.6, 0.81, जिसको मैंने एक बिग स्क्वायर के कंसिडर कर रखा है। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0 को मैंने इधर लिख लिया करंट की तरफ। पोटेंशियल की वैल्यू आपको जो दे रखी थी इसको मैंने वर्टिकल में लिख दिया है, बिग स्क्वायर में 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, पहले तो हमने मार्क कर ली सारे। अब देखिए हमें 0.5 पे इसकी वैल्यू चाहिए 0.2, तो देखिए 0.5 ये है और 0.2 ये है, तो पहला निशान आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये निशान पहले से लगा हुआ है। दूसरा निशान लगाने के लिए 1 हम यहाँ पे लेंगे, तो देखिए 1 के सामने का पार्ट ये हो गया आपका और इसके सामने क्या पड़ रहा है इधर से 0.4, तो ये आपका दूसरा मार्क आ गया। तीसरा क्या हो गया आपका 1.5 और इसके सामने क्या आ गया आपका 0.6। इसी तरह से नेक्स्ट आपका इधर से आपका पॉइंट आ जाएगा 2 और ये 0.8 आ गया आपका, तो ये हमने निशान मार्क कर रहे हैं। और 2.5 पे आपका मार्क ये वाला आ रहा है और इस पे वैल्यू कितनी है 1। तो देखिए ये सारे निशान सबसे पहले हम लगाएंगे और जब निशान लग जाएंगे तो इन निशान को हम आपस में एक लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, बी आई ग्राफ ड्रॉ हो गया। तो हमने ये ग्राफ पहले ड्रॉ करा, अब देखिए इसके ग्राफ के हिसाब से हमें निकालना है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बी व्हेन द करेंट आई इज 0.5 एम्पियर। अब आप देखिए करंट में बी निकालना है तो आप करंट देखिए आई 0.5 एम्पियर कहाँ है, तो करंट पे यहाँ पे हम आ गए 0.4 और 0.6 के बीच में, देखिए ये छोटा सा लिखा हुआ है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 है। इसको हम ग्राफ पे अगर हम चलते हैं तो ये डॉटेड लाइन से आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा पड़ा, इसके सामने हम बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और 1.5 के बीच में क्या लाई करेगा 1.25। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दिख रही है 1.25, तो यही आपका पहले का आंसर हो जाता है फ्रॉम ग्राफ से। इसकी वैल्यू आ जाती है ये कितनी 1.25। सेकंड पूछ रहा था करंट की वैल्यू बतानी है, अगर पोटेंशियल कितना आपके पास है 0.75। अब आप पोटेंशियल ढूंढेंगे पहले 0.75, पोटेंशियल आपका इधर की तरफ है तो इसमें देखिए 0.75 कहाँ लाई करेगा आपका, 1 से पहले और 0.5 के बीच में, तो ये आपका लाई कर रहा है 0.75। और इस पे हम अगर ग्राफ पे चले तो यहाँ पे आते हैं और इसके हिसाब से हमने वर्टिकल में ड्रॉ करा तो ये जस्ट इन दोनों का मिड है जो कि 0.3 है।
तो इसके हिसाब से इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है यहाँ पे करंट की, 0.3 एम्पियर। रेजिस्टेंस निकालनी है तो देखिए कोई भी पॉइंट से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी, क्योंकि ग्राफ आपका लीनियर है तो लीनियर में तो कहीं से भी अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपका आंसर सब कुछ सेम आ रहा है। तो हम लास्ट वाले पॉइंट से निकालते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है V/I, और यहाँ पे लास्ट वाले पॉइंट पे देखिए वी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2.5, हमने 2.5 लिख ली। और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, तो 1 लिख लिए, 1 को 2.5 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आ जाता है 2.5 ओम। तो इस तरह से ये ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि अभी हमने कर लिए। टू वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ हैव द रेडियाई R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, कंपेयर देयर रेजिस्टेंस एंड देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालनी है तो पहले एक वायर के लिए हमने फॉर्म लगाया और R1 इक्वल टू रो L/A। यहाँ पे L1 नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे लेंथ आपसे सेम कहा जा रही है, सेम है लेंथ। दूसरा यहाँ पे हमें एरिया नहीं दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो यहाँ हमने अपने एरिया को तोड़ के क्या लिख लिया, π R1 स्क्वायर। तो ये आपका एक वायर के लिए फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली अगर हम दूसरे वायर के लिए निकालेंगे तो R2 इज इक्वल टू रो L2/A2, और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, L2 नहीं आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे रो बराबर कितना हो जाएगा, L/स्क्वायर लगाएंगे π R2 स्क्वायर। अब हमें रेजिस्टेंस में रेशियो निकालना था तो दोनों को डिवाइड कर देते इक्वेशन। जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में डिवाइड करेंगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये R2 ऊपर चला जाएगा और R1 नीचे, तो डिवाइड होके आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा था रेजिस्टेंस में रेशियो, तो रेजिस्टेंस में रेशियो आपके पास कितना आ गया, ये R1 स्क्वायर, सॉरी R2 स्क्वायर/R1 स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट पूछा था देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखिए रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जब तक चेंज नहीं होती जब तक कि मटेरियल चेंज ना हो। अगर मटेरियल सेम है तो चाहे लेंथ और ब्रेथ में कुछ भी चेंज कर दे, चाहे एरिया में, आपकी रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैसे की वैसी रहेगी। तो सिंस मटेरियल आर सेम सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज। अगर चेंज नहीं होगी तो उसका रेशियो क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा, 1:1। तो इसका मतलब यहाँ पे रेशियो निकालना था तो 1:1 हो। अ गिवन वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस। इसको डायग्राम समझते, आपके पास एक वायर दे रखा था जिसका रेजिस्टेंस आपके पास 1 ओम है, इसकी लेंथ को डबल कर रहा है, डबल कर दिया गया लेंथ। यहाँ पे लेंथ की स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं कर लीजिएगा। तो लेंथ हमने मान लिया कि एक कंडक्टर की वाई है, इसको डबल करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो गई, 2y। तो लेंथ अगर डबल कर देते तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि R2 आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपके पास मैंने डायग्राम से दिखाया है कि एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R1 दे रखी है और R2 आपसे पूछ रहा है, अगर उसी को खींच के लंबा डबल कर दिया जाए तो डबल क्या मतलब, 2y। अगर हमने इसको वाई लेट किया तो ये 2y हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे हमारे पास जो जो लिख लेते, R1 की वैल्यू है हमारे पास, L1 हमने इसके लिए माना है फर्स्ट वाले के लिए y, L2 हमारे पास क्या हो गया सेकेंड वाले 2y, और R2 हमें इसके लिए निकालना है। तो देखिए जब कोई चीज़ हमने पढ़ा भी था कि वो रेजिस्टेंस अगर कोई भी एरिया लेंथ में चेंज करते हैं तो उसके वॉल्यूम क्या रहते हैं, सेम। तो इसका वाले का वॉल्यूम, वॉल्यूम इन द फर्स्ट केस और वॉल्यूम इज इक्वल टू सेकेंड केस का क्या होगा, सेम। वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू हाइट होता है, हाइट को यहाँ पे हमने L1 लिख रखा है और दूसरे के लिए A2 × L2। यहाँ वैल्यू लगाते हैं हम, देखिए A1 की तो पता नहीं, L1 की आपके पास हमने कंसिडर करी थी y, A2 की नहीं पता, L2 की कितनी हो गई आपके पास, 2y। तो y से y क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। तो A1/A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 2/1। अब यहाँ पे R1 का फॉर्मूला लगाते हैं, रो L1/A1, पहले कंडक्टर के लिए लगाया, सिमिलरली ये फॉर्मूला ने दूसरे के लिए लगाया, और दोनों को इक्वेशन को सेकेंड को किससे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट से। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये L2/L1 और A1/A2। यहाँ पे हम वैल्यू लगाते हैं, देखिए L2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, L2 की वैल्यू आपके पास 2y है, L1 की कितनी है y, और A1/A2
हमारे पास निकाल चुके कितना था, 2/1, तो वाई से वाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आर टू निकल के आ जाएगा, 2 2 जा 4, और साथ में आर वन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, और आर वन की वैल्यू आपको दे रखी है, तो यहाँ पे आर वन की वैल्यू 1 लगा दी, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 4 ओम। तो इस तरह से हमने नए रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ली। अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम, लेंथ 10 सेंटीमीटर, इज स्ट्रेच टू 30 सेंटीमीटर, एज्यूमिंग दैट इट हैज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। फिर से हम एक डायग्राम से समझते हैं। आर वन आपको दे रखा है 3 ओम, इसकी लेंथ को यहाँ पे स्ट्रेच करके 30 कर दिया गया, तो पहले लेंथ दी आपकी 10 सेंटीमीटर, फिर इसको इसको स्ट्रेच करके लेंथ कितनी कर दी गई आपकी 30 सेंटीमीटर, तो पूछना चाह रहा है नया रेजिस्टेंस क्या होगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन से आपका, तो वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। आर वन हमारे पास कितना है, 3 ओम, लेंथ है 10, सेंटीमीटर में दे रखा है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड के लिए L2 की वैल्यू दे रखी है मैं 30, इसको भी मीटर में करते हैं 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, और R2 हमें यहाँ पे निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम दोनों के बराबर होंगे, तो वॉल्यूम का हमने लगाया फर्स्ट केस के लिए और सेकेंड केस के लिए, ए इंटू एल वन इज इक्वल टू ए इंटू एल टू। तो यहाँ पे ए वन ए टू तो नहीं मालूम, एल वन की वैल्यू हमने लगा दी कितनी है हम आपके पास 10 × 10 की पावर -2, और एल टू की वैल्यू है 30 × 10 की पावर -2। तो यहाँ पे 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, तो ये बचता है केवल 3। ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू आ जाती है 3/1। फिर से हमने सेम वही आर वन की वैल्यू लगाएंगे पहले के लिए, रो एल वन अपॉन ए वन, दूसरे की लगाएंगे आर टू इक्वल टू रो एल टू अपॉन ए टू, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आप देखिए रिजल्ट सिमिलर वैसे ही आ जाएगा। ये अभी आपने करा था तो मैंने डायरेक्टली थोड़ा जल्दी कर दिया ये, तो आर टू अपन एल वन की वैल्यू आ जाएगी एल टू अपन एल वन ए वन अपॉन ए टू। एल टू की वैल्यू आपके पास है यहाँ पर 30 × 10 की पावर -2 और एल वन की वैल्यू है आपके पास 10 × 10 की पावर -2। और देखिए ए वन अपॉन ए टू अभी हमने निकाला था तो कितना आया था 3/1, तो उसको हम देखें तो ये पावर 10 की पावर -2 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, तो 3 3 जा बचेगा 9, और आर वन की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वन आ जाएगा, आर वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, इसे मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर आ जाता है 27। अब वायर ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ट्रिपल्ड ऑन इटसेल्फ, व्हाट इज इट्स न्यू रेजिस्टेंस। देखिए आपके पास है यहाँ पे जो दे रखी है 9 ओम का रेजिस्टेंस है और उसकी लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर जो कि ट्रिपल थी ऑन इटसेल्फ, यानी कि जो आपका सेकंड वाला पार्ट है उसकी लेंथ की ये ट्रिपल थी। अगर ये ट्रिपल थी तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई, 1/3 हो गई, तो 1/3 हम निकालेंगे तो 3 से 30 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 10, इसको मैंने डायरेक्टली लिख रखा है और आपसे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ये भी यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, आर वन आपके पास एल वन 30 है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया -2, एल टू की वैल्यू हो गई आपके पास 10, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 10 है, सॉरी अच्छा यहाँ पे मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड करके दिखाया है 3 से, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी, तो ये इसका तो ये ट्रिपल है और ये इसका 1/3 है, तो 1/3 करा मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10। तो इस तरह से ये एल टू की वैल्यू आ गई 10 × 10 की पावर -2। आर टू आपको निकालना है, देखिए वॉल्यूम दोनों फिर से बराबर लगाएंगे, वॉल्यूम दोनों केस के ए वन इंटू एल वन इज इक्वल टू ए टू इंटू एल टू। यहाँ पे हमने एल वन की वैल्यू लगाई, एल वन की वैल्यू हो गई आपके पास 30 × 10 की पावर -2 और एल टू की हो गई आपके पास 10 × 10 की पावर -2। तो देखिए 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब अगर ए वन ए टू निकालेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/3। तो फिर से हमने आर वन लगाया, रो एल वन अपन ए वन पहले के लिए, दूसरे के लिए भी लगाया, दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे देखिए फिर से वो रिजल्ट मिलेगा एल टू अपन एल वन ए वन अपन एल। एल टू की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 10 × 10 की पावर -2 और एल वन की है 30 × 10 की पावर -2। ए वन अपन ए टू आपके पास कितना है 1/3। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करते हैं,
माइनस टू से माइनस टू कर दिया टेन की पावर, जीरो से जीरो कर दिया, तो नीचे बचेगा वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री यानी कि वन अपॉन नाइन। आर वन को उधर लाएंगे तो वन अपॉन नाइन इंटू आर वन, और आर वन की वैल्यू आपको कस कितनी है नाइन, तो नाइन से नाइन ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया वन ओम। ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन है व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दे रखी है आपको, रेडियस दे रखी है, और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू भी मालूम। तो देखिए वैल्यू लिख लेते हैं, सबसे पहले आपको क्या मालूम है लेंथ, लेंथ आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेंथ, एल क्वेश्चन मार्क, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को लिखते हैं रो से, रो की वैल्यू दे रखी है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर, और रेडियस दे रखी है 1 mm, रेजिस्टेंस है आपके पास 1 × 10 की पावर माइनस 3। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए का। आपके पास देखिए ए नहीं है, तो ए की जगह पहले तो आप देखिए एल निकालना, तो एल के लिए फॉर्मूला बना लिया, एल के लिए करेंगे तो आर इंटू ए अपॉन रो आ जाएगा। अब एरिया भी नहीं है, तो एरिया की जगह हम चेंज करके लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम सारी वैल्यू लगाते हैं आर की, आर की हमारे पास देखिए कितनी है 1 ओम, पाई की हमने 3.14, आर की जगह हमने लगाया 1 × 10 की पावर माइनस 3 और इसकी 1.7। देखिए इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि आप कैलकुलेशन करना थोड़ा सीख गए हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज इसमें मुझे कमेंट्स कर दिएगा, मैं इसको भी करके आपको दिखाऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अब मैं समझता हूँ इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल इसका आपका आंसर आ जाएगा करने के बाद 184.7 मीटर, तो ये आपकी लेंथ आ गई। द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब टेक्स अ करंट 100 mA व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 0.2 वोल्ट, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इट बिकम 1 वोल्ट द करंट 400 mA, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन ईच केस एंड अकाउंट फॉर द डिफरेंस। आई बन दे रखा है, आपको दे रखा है करंट कितना 100 mA, पोटेंशियल दे रखा, इसको मिली एम्पियर को हमने एम्पियर में कन्वर्ट किया तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, और पोटेंशियल दे रखा है आपको 0.2 वोल्ट। अगला पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अगर कितना हो जाता है 1 वोल्ट, और करंट कितनी आती है 400 mA, तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है आपको ईच केस में। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट किया 10 की पावर माइनस 3। देखिए पहले हमें रेजिस्टेंस आर वन भी निकालनी है और आर टू, सिंपल है, वी इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाएंगे। तो उससे आप पहले रेजिस्टेंस आर वन निकालते हैं, तो वी वन अपॉन आई वन, वी वन की वैल्यू 0.2 और आई वन की आपके पास है 100 × 10 की पावर माइनस 3। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, आप इसको कर लीजिएगा, और अगर नहीं हो रहा तो छोटी, चलिए मैं ही कर देता हूँ। 0.2 upon 100 × 10 की पावर माइनस 3, माइनस 3 को अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाता 1000 और अपॉन 100, 100 से कट जाएंगे, 10 से इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 ओम। सिमिलरली हमें दूसरी रास्ते निकालनी, तो वी टू इक्वल टू आई टू इंटू आर टू, आर टू निकालेंगे तो वी टू अपॉन आई टू, वी टू की वैल्यू हमारे पास 1 वोल्ट है और इसकी कितनी है 400 × 10 की माइनस 3, तो 4 × 1 upon 400 × 10 की पावर माइनस 3, तो इसको ऊपर ले आते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, और अपॉन 400 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 upon 2, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.5 ओम। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई आपके पास 2.5 ओम। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये 2 आएगा, R2 सेकेंड वाले केस के लिए निकाला है, तो ये आपका R2 चल रहा है जो कि ऑलरेडी चल ही रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों की ये वीडियो कंप्लीट होती है, और यहाँ पे हमने सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर ली है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज कमेंट्स करिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ, और यदि कोई और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और करा जा सके अच्छा, तो प्लीज उसके लिए भी आप मुझे बताइएगा। और एक अगर आपको रियली ये वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज फ्रेंड्स आप अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ इसको
इसको सब मतलब शेयर करिएगा, तो कि थोड़ा सा मेरे को भी प्रोत्साहन मिलता है इन चीज़ों को करने से, और आपके लिए मैं आगे की